नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फेविना ग्रुप। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला पनीर। चलिए उसके लिए देखते हैं क्या क्या चाहिए हमें। मसाला पनीर बनाने के लिए चाहिए हमें 200 ग्राम पनीर जो मैंने काट कर रख लिया है, 2 हरी मिर्च, 2 टमाटर, हरी धनिया और 3 बड़े प्याज और थोड़ी सी करी पत्ते। ये अदरक लहसुन का पेस्ट और हमें चाहिए कुछ खड़े मसाले, जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग और इलायची। ये है मसाला पाउडर, जिसमें कि हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, नमक स्वादानुसार, ये थोड़ी सी सब्जी मसाला। मसाला पनीर बनाने के लिए गैस को कर लेते हैं ऑन, कढ़ाई हीट होने देते हैं। थोड़ी सी इसमें डालेंगे थोड़ी सी तेल, कुकिंग ऑयल, इसे थोड़ा सा हीट होने देंगे। हमारी तेल हीट हो चुकी है, अब हम इसमें डालते हैं खड़े मसाले। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, साथ साथ करी ली, हरी मिर्च जो हमने पहले से काट कर रखी है, चौकी है। अब इसे मीडियम आंच पर चलाते रहना जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें डालते हैं मसाला जो मैंने सूखे मसालों का पेस्ट बना लिया है। उनको मीडियम आंच पे भून लें, 5 मिनट तक इस मसाले को भून लें। हमारे मसाले भून चुके हैं, आप देख सकते हैं साइड साइड मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालते हैं टमाटर। हमने टमाटर डाल दिया इसमें, अब थोड़ी देर से चलाएंगे जब तक कि टमाटर गल ना जाए। मसाले हमारे भून चुके हैं, अब इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी पानी जितनी आपको चाहिए ग्रेवी में। इसमें अब हम थोड़ी उबाल आने देंगे, इसके बाद डालेंगे पनीर। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुकी है, अब इसमें डाल देते हैं पनीर। इसमें पनीर डाल रहे हैं, पनीर डाल के 2 मिनट तक उबाल लेंगे इसे ढक के। हमारी पनीर बनकर तैयार हो गई है, मसाला पनीर। हमने गैस को फ्लेम ऑफ कर दी है, अब इसमें डालते हैं हरी धनिया। ये हमारे तैयार हो गई हमारी मसाला पनीर। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेसिपी, आप लोग जरूर बताएं।